पिताजी उसका रिपोर्ट, समझने के लिए। अब वो बच्चा कहाँ पे होगा, वहां पे होगा जिसने इसको एक्चुअली ऐसा पेन दिया है। अब दोनों को वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वापस उसी पेन को। कैसी है लाइफ साइकिल है, आपने देखा 22 बच्चे पैदा होते हैं, भूखे बहरे अंधे, ये सब, ये मतलब उन्होंने कोई लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस उसको दिया है, और वो बच्चा वापस माँ बाप को वो एक्सपीरियंस देना चाहता है ना। यार बच्चा तो एकदम मस्त है, वो अपाइच है तो ऐसे सोया रहता है, बस उसकी मम्मी बेचारी टॉयलेट लेके जाती है, उसको वॉश करवा के फिर रखती है, मतलब कितना पेनफुल है ये। अगर कोई एक लाइफ में उसने उस बच्चे को क्लियर किया रहता, उसका पेन समझा रहता, तो ऐसा नहीं होता। हैदराबाद में एक लड़की का मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, उसने मुझे कहा कि 11 साल से मुझे बच्चे नहीं हो रहे। तो उसका पहले 2-3 लोगों ने रिग्रेशन किया लेकिन वो जा ही नहीं रही थी, मे बी शी वॉज नॉट रेडी फॉर दैट रिग्रेशन। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने उसके ऐसे ऑरा के लेयर्स ओपन किए और उसका रिग्रेशन किया। तुरंत उसने अपनी एक लाइफ में देखा कि उसका बच्चा अपाइज था, और वो हमेशा भगवान को बोलती थी इससे तो बच्चा नहीं देता तो अच्छा था, ऐसा बच्चा देकर क्या फायदा। तो वो थॉट ये लाइफ में उसको 11 साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ, और वो थी दुबई की वो लड़की। इसके बाद वो दुबई चली गई वो हमारे प्रोग्राम के बाद, और 3-4 महीने के बाद उसने भी वो थेरेपिस्ट बन गई, बिकॉज तो उसने वो एडवांस कोर्स अटेंड किया था मेरे साथ। जब वो थेरेपिस्ट बनी तो उसने 11th स्टैंडर्ड के कॉलेज के लड़के का रिग्रेशन किया उसने दुबई में, और उस बच्चे को पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है अब, तो बोलता है माँ मैं तुझे देख रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ तू किसको देख रहा है, बोलते हैं माँ मैं तुझे देख रहा हूँ। बोलते किसको देख रहा है, बोलते माँ मैं तुझे देख रहा हूँ, तू मेरी माँ है, मैं अपाइट बच्चा हूँ, तू मुझे पसंद नहीं करते। मतलब दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिवनेस किया, और उसके 8 महीने बाद शी बिकेम प्रेग्नेंट। आज उसको 3 साल का बच्चा है। फिर एक छोटा सा इंसिडेंस है कि हम बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते, हमारे पेन का ना हम डिजॉल्व नहीं करते, उसको बढ़ा चढ़ा के किसी और पे डाल देते, ब्लेम कर देते उस पेन को, तेरे वजह से मेरे को तकलीफ हो रही है, तेरे वजह से तकलीफ हो रही है। एक्चुअली इट इज नॉट फॉर समवन एल्स, या आपके लिए दर्द था दुख था आपको ही समझना है, राइट। फिर आप किसी भी तरह से उसको अपना समझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कर्मों को समझ के उसको ठीक करो। दूसरे को ब्लेम करके वो पेन बढ़ जाता है, घटता नहीं है, मुझे बताओ घटता है क्या। और वो जो ट्रेन में घटना हुई, क्या उसने पैर उसका कुचल के या उसको मार के उसका क्या पेन रिलीफ हुआ, रिलीफ हुआ नहीं हुआ, दोनों के दांत में से खून निकलना शुरू हो गया, वो और भी ज्यादा एंकरिंग हो गया, समझ में। मतलब हम बहुत इजीली इस चीज को किसी के ऊपर भी डाल देते हैं, ये इंडिया का कल्चर ऐसा हो गया, फॉरेन में ऐसे नहीं करते, कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। वो डिवोर्स भी ले लेंगे तो कंपैशनेटली लेंगे। 36 ईयर्स के बाद मैंने अंकल आंटी ने अमेरिका में डिवोर्स लिया है, लेकिन आज भी वो फ्रेंडली एक दूसरे को मिल रहे हैं। इंडिया में ऐसे हो सकता है, हो सकता है 36 साल के बाद डिवोर्स लेने के बाद भी आज भी वो लोग एक दूसरे से फोन कर रहे हैं, दोनों अलग घर में रह रहे हैं, फ्रेंडली मिल रहे हैं, होटल में वो लोग जाते हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी एवरीथिंग, लेकिन डिवोर्स के बाद। इंडिया में तो विदाउट डिवोर्स भी साथ में नहीं रहते, डिवोर्स की बात तो दूर की बात है, समझ में नहीं। मतलब हम कितना पकड़ के बैठे हैं, जो भी है समझ लो ये आपके लिए, ये दुनिया, ये पेन ये आपकी दुनिया, उसको समझ लो, एक्सेप्ट कर लो, दूसरी बार ये दर्द नहीं होगा, ये पेन नहीं होगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, समझने की नहीं। हमें भी बहुत बार तकलीफ होती है, हम किसको अट्यून करते हैं, किसी की हीलिंग करते हैं, या किसी को रिट्रीट में लेके जाते हैं, हमको भी काफी बार ऐसी तकलीफें होती है, लेकिन हम समझते हैं ये शायद हमारे लिए कुछ सीखने के लिए, समथिंग इज देयर टू लर्न, लेट अस लर्न इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग द थिंग। जो सीखना है सीख लो ना, क्यों किसी को ब्लेम करना है, समझने के लिए। जैसे आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो उसको तकलीफ होती है, अरे क्या हो स्कूल भेज रहे, ट्यूशन भेजते और ज्यादा तकलीफ होती है, होमवर्क करने बोलते और ज्यादा तकलीफ होती है, एग्जाम के वक्त और ज्यादा तकलीफ होती है, और वो राह देखता है कब वैकेशन आए और मैं ऐसे भागू कि सारी तकलीफ से दूर, लेकिन उसे क्या मिलने वाला है, इट्स जस्ट एन एंजॉयमेंट, वो वैकेशन वेस्ट किया, समझने के लिए। तो ये चीज होती है, अगर आप जितना दर्द सहन करोगे या समझोगे, आपके बच्चों में भी वो श्रद्धा आ जाएगी, वो समझ सकती, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आप दूर भागते हो, ब्लेम करते हो, तो बच्चा देख रहा है कि मम्मी ने अपने दर्द को नेबर के ऊपर डाला या दादी माँ के ऊपर डाला, तो बच्चा भी ऐसा ही करेगा। डैडी रात को ड्रिंक ले रहे, अपने दर्द को दबा रहे, स्मोक कर रहे, अपने दर्द को दबा रहे, तो बच्चा भी आगे आके उसको ऐसा ही कोई सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन निकालेगा, निकालेगा कि नहीं निकालेगा ना।
तो फिर वो क्या करेगा, वो भी जल्दी उम्र में सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, पब में जाएगा, डिस्को में जाएगा, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट सीख गया, समझ गया कि ऐसे करने से हो जाता है, अपना प्रॉब्लम किसके ऊपर डाल दो, खुद फ्री हो जाए। ऐसा ही होता है ना आजकल, हमें जो भी तकलीफ है, अभी यहाँ किसने कचरा डाल दिया, मैं क्या करूँ, कचरा बाजू वाले किसने डाल दिया, अब तू संभाल कचरे। ऐसे ही होता है ना, बिकॉज हमें वैसा समझाया गया है, मतलब हमारे अंदर वो बिलीफ सिस्टम ऐसी है। तो मुझे लगता है जब भी आप ये हीलिंग की प्रैक्टिस करोगे एकदम अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा कि इसको डाइवर्ट नहीं करना है, इसको ब्लेम नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड करके, एक्सेप्ट करके उसको डिसॉल्व करना है, दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस। तो मुझे लगता है आपको सही में करने का मजा आएगा। अदरवाइज मैंने बहुत से जगहों पे देखा है, सालों सालों तक लोग स्पिरिचुअल गुरुओं के पास रहते हैं, आश्रमों में भी रहते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं समझे कि इस पेन को समझना कैसे। वो बोलते हैं यार ये दुनिया बेकार है, दर्द का एक दुनिया है, तू दूर हो जा, तू संसार से दूर हो जा, कौन बोला था तुझे शादी करने के लिए, इसे तो मेरे जैसे आश्रम में रहता तो इतना अच्छा होता, ऐसी सारी बातें करते हो, समझ में कि नहीं। कोई है ना नीचे, कोई छोटे दुकान वाला रहेगा, वो बच्चे को बोलेगा देख क्या पढ़ाई करके फायदा हुआ, देख मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, देख कितना कमा रहा हूँ, देख बड़े बड़े लोग मेरे दुकान पे आ रहे हैं। कैसे हम लोगों को गुमराह करते, डाइवर्ट करते, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो मुझे लगता है आज के बाद आप किसी को सॉल्यूशन कभी नहीं देना, उसको बोलना तुम एक्सपीरियंस करो तुम्हारे पे, किसी की बातों को सुनना नहीं आज मार्केट में, तो वो मल्टीप्लाई होकर आपके अंदर घुसते रहेंगे, राइट। और अपनी भी बातों को अनवांटेडली किसी को बोलना नहीं, इट इज फॉर योर ओन, आप उसको समझो। ऐसे नहीं कि किसको भी पकड़ा, किटी पार्टी में जाके पकड़ा, या नेवर में जाके पकड़ा, दो तीन घंटा बोला, या मदर इन लॉ को फोन किया, या किसी को फोन किया और 1 घंटे तक आपकी राम कहानी सुनाई, डोंट डू दैट, क्योंकि यूनिवर्स देखता है जो भी चीजों को आप फेंकते हो वो 10 गुना करके आपको वापस देती है, राइट। इट इज दैट वाज एक्सपीरियंस फॉर योर ओन सेल्फ, उस मोमेंट के लिए वो आपको एक्सपीरियंस करना। बात खत्म हो गई। 2 साल पहले मेरे ऋषिकेश में एक्सीडेंट हुआ, हिमालय से मैं नीचे गिरा, 40 फुट से नीचे गिरा, वो मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं कैसे वापस आया मुझे आज तक पता नहीं, लेकिन वो मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, मेरे अंदर फियर नहीं था इसलिए मैं बच गया। पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, जब मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया तभी भी मैं बच गया, अभी ये सेकेंड टाइम मैं बच गया, बिकॉज मुझे डेथ का फियर नहीं है, इसलिए वो बोलते ना मौत आती भी है तो भी छू के निकल जाती है, डर नहीं है। तो मुझे लगता है जिस दिन आपका फियर निकल गया उस दिन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कार चलाता हूँ या बाइक चलाता हूँ, मुझे कभी कोई फियर ही नहीं रहता। मैं न्यू जर्सी से टोरंटो तक मैं 11 घंटा नॉन स्टॉप ड्राइव करके गया 220 की स्पीड से, मेरे अंदर फियर ही नहीं था, समझ में नहीं। तो आपको भी ये हील करना पड़ेगा, आपके जितने भी अलग अलग चक्रस हैं उसमें आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, सिंपल्स डालनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करके उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आपका पेन निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं निकलेगा, पेन का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, दर्द का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, पीस से हर पेन को पीस में लेके जाना पड़ता है, पेन को सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं, और पेन को दूसरे के ऊपर नहीं डालना, राइट। आई होप आप ये सिस्टम आज समझ गए हैं। सो विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक और फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ओके।